हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैक्स एडी चैनल्स मिक्स एकेडमी। तो जैसे देखो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे टेंस के बारे में। टेंस क्या होता है? टेंस को डिफाइन करते हैं काल के बारे में, समय के होता है। टेंस तीन टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट टेंस में जनरली क्या होता है कि हम जो काम कर रहे हैं उसको बोलते हैं प्रेजेंट टेंस। और जो बीत चुका है, जैसे हम कल आपको पढ़ा चुके थे, तो हमारा हो जाएगा पास्ट टेंस। इसके बाद फ्यूचर टेंस हमारा आता है, फ्यूचर टेंस में जो हम आपको कल पढ़ाएंगे, तो जो आने वाला होता है उसको बोलते हैं फ्यूचर टेंस, और जो बीत चुका है उसको बोलते हैं पास्ट टेंस, जो अभी चल रहा है उसको बोलते हैं प्रेजेंट टेंस। चलिए हम डिफाइन करते हैं टेंस के बारे में। तो वो थ्री टाइप्स होते हैं, अगर मैं लिख रहा हूं आप भी चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं। तो पहला होता है प्रेजेंट टेंस, जैसा कि मैंने आपको बताया प्रेजेंट टेंस होता है, दूसरा होता है पास्ट टेंस, और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस होता है, तो हमने जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है, जो अभी चल रहा है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले प्रेजेंट टेंस के बारे में। तो प्रेजेंट टेंस के बारे में, बट इससे पहले क्या होगा कि हमें जानना पड़ेगा कोई भी सेंटेंस हो उसके उसको ट्रांसलेट करने से पहले या टेंस पढ़ने से पहले हमको ये जानना जरूरी है उसमें सेंटेंस में क्या क्या चीजें होती है। जनरली फोर पार्ट्स पाए जाते हैं हमारे। अगर हम बात करें कि जैसे कि हम कोई एग्जांपल लिखे कि आज सोहन अपने घर गया है, तो अब इसको ट्रांसलेट करने से पहले टेंस में इसको ट्रांसलेट करने से पहले इसमें ये जानना पड़ेगा कि इसमें वर्ब्स क्या होते हैं, हेडिंग वर्ब क्या होती है, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, सब्जेक्ट्स क्या होते हैं। विदाउट सब्जेक्ट वी आर नॉट ट्रांसलेटेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट दिस क्वेश्चंस वी आर सेट सब्जेक्ट्स का। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट्स पर आप जैसे हम आपको बताने जा रहे हैं कि सब्जेक्ट्स क्या होता है, जल्दी आप यहां से देख सकते हैं, समझ सकते हैं और नोट डाउन भी कर सकते हैं। अगर मैं एक आपको एग्जांपल लिख के बताऊं कि सोहन, जैसे उसी एग्जांपल को मैं ले रहा हूं, सोहन आज खाना खाया है, खाना खाया है। तो अब इसमें हमें यह पहचानना पड़ेगा कि सबसे पहले सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट होता क्या है, सब्जेक्ट का मतलब ये नहीं कि विषय वाला सब्जेक्ट होता है इंग्लिश। इसमें सब्जेक्ट का ये मतलब होता है कि कौन किसके द्वारा कोई काम हो रहा है या कौन काम इसमें मेन कर रहा है। अगर मैं आपसे यहाँ बात करूं, अगर सोहन हटा देता हूं तो आज खाना खाया, अब ये हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि आज खाना कौन खाया है, सोहन खाया, मोहन खाया है, कोई एनिमल्स खाया है, कोई बर्ड्स खाया है, या फिर कौन खाया है। तो हम जल्दी हमको किसी भी सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट लेना बहुत जरूरी होता है, सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना भी बहुत जरूरी होता है। तो अगर हमें आप लिखते हैं सोहन, तो तुरंत हमें पता चल जाता है कि सोहन आज जो है खाना खाया है। अब ये कैसे पता चला? तो सोहन जो इसमें क्या, किसके द्वारा कौन खाना खाया, सोहन तो जिसके द्वारा कोई काम मतलब हो रहा है, चाहे खाना खा रहा हो, चाहे पढ़ रहा हो, चाहे लिख रहा हो, तो उसको हम मेनली बोलते हैं क्या है, सब्जेक्ट होता है। अगर आप इसे ऐसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि जिसके द्वारा किसी वाक्य में जिसके द्वारा काम किया जाता हो उसे सब्जेक्ट्स कहते हैं। सब्जेक्ट्स कहते हैं, जैसे इसमें हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट सोहन हो जाएगा, इसमें हमारा जाएगा सब्जेक्ट। ठीक है, अब आते हैं हमारा वर्ब। वर्ब क्या होते हैं? वर्ब टू टाइप्स के होते हैं, जैसे कि पहला मैं लिखूं तो एक होता है हेल्पिंग वर्ब, और दूसरा होता है हमारा मेन वर्ब। मेन वर्ब होता है, अब हेल्पिंग वर्ब बहुत सारे वर्ब्स का यूज हो सकते हैं, लेकिन वो हमें नहीं जानना, हमें सिर्फ ट्रांसलेट करने के लिए जो चीजें इंपॉर्टेंट है उसको हमें समझना है। हेल्पिंग वर्ब कैसे पहचान करेंगे, जैसे हम बहुत सारे सेंटेंस में लिखा हुआ देखेंगे, जैसे है आता है, हु आता है, हे आता है, वो, इसके बाद था, थी, थे, आदि, इसे होगा भी आता है, फ्यूचर अगर जाए तो होगा भी होगा,
गोभी आदि सब आते हैं, इसको बोलते हैं हैप्पी बर्ड। और हमारा मेन वर्ड जो होता है इसकी हमें सबसे अच्छी पहचान होती है कि कोई भी अगर वर्ड लिखा हो उसके लास्ट में ना आना ही आना है। जैसे कि हम बात करें जाना, खाना, पीना, सोना, रोना, ये सब हमारे क्या आते हैं, आदि ऐसे आते हैं। इसको हमें ये सबसे अच्छी पहचान होती है कि अगर हम इसमें लास्ट में ना आना ही आना है, चाहे कोई सा भी अगर वर्ड्स में नोट लेते हैं इसमें ना आना ही आना। तो इस तरह के साथ हमारे देखिए क्या है, सब्जेक्ट्स हो गए, जैसा इस सेंटेंस की मैं बात करूं तो इसमें खाना, खाना क्या हो जाएगा, हमारा मेन वर्ब हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा। इसके बाद है क्या हो जाएगा, हमारा हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। और अब आता है हमारा लास्ट में ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे, तो ऑब्जेक्ट पहचाने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप हेल्पिंग वर्ब को निकाल दीजिए, मेन वर्ब को निकाल दीजिए, सब्जेक्ट को निकाल दीजिए, बाकी जो बचता सब ऑब्जेक्ट ही होता है। मतलब कैसे लिख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट में, जैसे कि एग्जांपल में लिखूं आज घर या फिर खा खाया, ये सब हमारे जो होते हैं जनरली, या फिर ऐसे लिख सकते हैं मेरा घर, उसकी कार, आदि, ये सब हमारे क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट। अब बच्चा हमारे पास एक चीज और आता है जिसको हम प्रीपोजिशन बोलते हैं। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन अपने बारे में इतना पहचानना है कि जैसे कोई अगर सेंटेंस लिखे जैसे कि से, पर, में, आदि सब होते हैं। ऐसे मैं एग्जाम्पल लिखो यहाँ पे, राम अपने बागीचे खेल रहा है। तो अगर हम इसमें बात करें कि प्रीपोजिशन क्या होता है, प्रीपोजिशन हमारा ये होता है प्रीपोजिशन, इसको क्या बोलेंगे, प्रीपोजिशन। हेल्पिंग वर्ब हमारे ये हो जाएगा क्योंकि लास्ट में है आता है, जैसा कि हमने आपको बता बता रखे हैं हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। अगर मैं आपसे इसमें पूछूं कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट किसके द्वारा कौन खेल रहा है इसमें, राम खेल रहा, राम क्या खेलेंगे हम, ये हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। इसके बाद अब खेल रहा है, खेलना क्या हो जाएगा, हमारा मेन वर्ब हो जाएगा, इसको हम यहां से आइडेंटिफाई करके हो जाएगा मेन वर्ब। अब बचा जो है, मैंने बोला था कि आपको अगर सब कुछ निकाल, सब्जेक्ट निकाल दीजिए, हेडिंग वर्ड निकाल दीजिए, मेन वर्ड निकाल दीजिए, और उसके बाद प्रीपोजिशंस निकाल दीजिए, तो उसमें क्या बचेगा हमारे पास, सिर्फ सिर्फ ऑब्जेक्ट बचेगा, तो ये हो जाएगा हमारा पूरा मिलाकर के ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से हम किसी भी सेंटेंस को पहले करने से पहले, ट्रांसलेट करने से पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि उसमें सब्जेक्ट क्या होते हैं, वर्ब क्या होते हैं, मेन वर्ब क्या होते हैं, और प्रीपोजिशंस क्या होते हैं। तो अब इसके बाद हम आते हैं अपने टेंस पे। तो जैसे अगर हम बात करें कि टेंस क्या होते हैं, कैसे होते हैं, तो अपने टेंस के बारे में पढ़ लेंगे। अगर आप इसे नोट डाउन करना चाहते हैं नोट डाउन भी कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं आप। अब हमारे प्रेजेंट टेंस के, तो जल्दी प्रेजेंट टेंस से हमारा होता क्या है कि चार पांच होते हैं इसके प्रेजेंट टेंस। इसके हमारे पास क्या होता है, चार पांच होते हैं। अब वो चार पांच कौन कौन होते हैं, जैसा पहला बोले इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट,
प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसके बाद आता है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस इस बार थर्ड आता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। इसके बाद फोर्थ आता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर हम बात करें इसमें इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है, तो इसे वर्तमान से इंडेफिनिट का मतलब कोई टाइम फिक्स ना इंडेफिनिट हो। इसके बाद आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब जो था अभी चल रहा है, जैसे कि राम खा रहा है, सोहन गा रहा है, सीता नाच रही है, इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। परफेक्ट की बात करें इसमें कंप्लीट कोई काम हो चुका है, जैसे कि हम बात करेंगे मोहन अपने घर जा चुका है, मतलब जा चुका है मतलब क्या उसमें परफेक्ट है, कंप्लीट हो गया उसमें सुन रहे हैं। इसके बाद लास्ट होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब क्या हो जाएगा कि हमारा जो कोई काम है हो रहा है लेकिन उसमें टाइम डिफाइंड है, टाइम कंफर्म है। जैसे कि मैं सेंटेंस से बोलूं कि मोहन 2 बजे से पढ़ रहा है या मोहन 2 घंटे से पढ़ा, उसमें टाइम डिफाइंड है और कंटिन्यूअस पढ़ रहा भी है 2 घंटे से। तो इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या है। अब हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में। अब इसके बाद अगर हम स्टार्ट करें प्रेजेंट इंडेफिनिट इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, क्या पहचान होती है इसकी, तो हम यहां बात करें प्रेजेंट इंडेफिनिट अनिश्चित काल इसको बोलते हैं इंडेफिनिट। तो हम इसकी पहचान लिखे, अगर पहचान क्या होती, कैसे हम पहचानेंगे कोई टेंस को कि ये कौन सा टेंस है, या फिर हम इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं। तो हमने सिंपल से लिखेंगे वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि सब लगे रहते हैं, आदि सब लगे रहते हैं। अब इसका क्या मतलब है, ता है, ती है, ते है आदि सब लगे, इसका क्या मतलब है। इससे मैं एक एग्जांपल लिखती हूं यहां पे, मोहन अपने घर जाता है, जाता है। अब देखिए इसमें जो मेन वर्ब है, क्योंकि मैंने सब्जेक्ट आपको बताया कि सब्जेक्ट क्या होते वर्ब है, सब्जेक्ट मोहन हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब है हो जाएगा, मेन वर्ब हमारा जाना जाता है, इसको ऑब्जेक्ट अपना घर। तो जिस मेन वर्ब में हमेशा ता आ रहा है, जैसे कि हम इसकी बात करें यहाँ पे जो है मेन वर्ब हमारा लगा इस लास्ट में क्या रहा ता आ रहा है, तो ये हमेशा पहचान जाएगा कि ये भी टेंस लास्ट में भी आ रहा है वाक्य में और ता ही आ रहा है। जैसे मैं एक सेंटेंस और लिखे, तुम क्रिकेट खेलते हो, तुम क्रिकेट खेलते हो, इसलिए भी ता आ रहा है खेलने के साथ में खेलते हो। तो इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा कौन सा टेंस है, इसकी पहचान क्या है। अब आते हैं हम इसके रूल्स पे। तो जनरली टेंस हमारे कोई सा भी प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, कोई सा भी, या फिर कोई सा भी टेंस हो, उसके 3 टाइप्स हो और उसके अंदर 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन सा, एक अफर्मेटिव होता है, निगेटिव होता है, इंटरोगेटिव होता है। अब अफर्मेटिव क्या होता है, अफर्मेटिव क्या होता है, निगेटिव सेंटेंस था। तो जैसे कि हम बात करें सिंपल था कि मोहन अपने घर जाता है, इसमें क्या नहीं कहीं पर वर्ड्स आ रहा है, जब नहीं नहीं आ रहा तो हम क्या कर सकते हैं इसको कि ये हमारा अफर्मेटिव है। अगर इसे हम मॉडिफाई करके लिख सकते हैं इसको ऐसे कि मोहन अपने घर नहीं जाता है, नहीं जाता है। तो अब इसमें जो वर्ड्स नहीं आया तो ये हमारा हो जाएगा पूरा सेंटेंस निगेटिव इसकी वजह से, और ये पूरा हो जाएगा हमारा क्या अफर्मेटिव। अफर्मेटिव या सिंपल कह सकते हैं अफर्मेटिव। और अगर हम बात करें इंटरगेटिव की, इंटरगेटिव कैसे पहचानेंगे, जैसे कि क्या मोहन अपने घर जाता है। तो अब यहाँ पे क्या जो वर्ड्स आया, जैसे इसमें क्वेश्चन होगा, इंटरगेटिव का मतलब होता है क्वेश्चन करना, हमेशा हमेशा जो है क्वेश्चन कर देगा। तो हम क्या करेंगे इसमें से कोई क्या आया है, इसमें क्या बोलते हैं इंटरगेटिव,
इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव वर्ब्स होते हैं। तो हम इस तरह की साइड लेके आप हमें जो पहला पढ़ना है वो हमको पढ़ना है अफर्मेटिव के बारे में, इसके बाद देख रहे हैं हम नेगेटिव में आए, इस तरह इंट्रोगेटिव कर दिया। तो जैसा आप ये सब नोट डाउन भी कर देते हैं, वीडियो पॉज कर लेना, वीडियो पॉज करके नोट डाउन करते रहना। तो अगर हम बात करें इसमें अफर्मेटिव क्या होती है, अफर्मेटिव के रूल्स क्या होते हैं, तो अफर्मेटिव रूल क्या होते हैं। अच्छा, इसके पहले आपको सिंगुलर प्लूरल बताना है। किसी भी सेंटेंस को आइडेंटिफाई करने से पहले, जो हमारी डेफिनेटिव वर्ब होती है लगाने से पहले, उसको हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो सिंगुलर है प्लूरल। जिसमें अगर सिंगुलर की बात करें, पहले जो सफिक्स हमारे यूज होते हैं, तो सिंगल बस आप ये जाने, सिंगल प्लूरल से मतलब नहीं है, लोग बोलते सिंगल का सिंगल एक होना चाहिए और इसके बाद प्लूरल का मतलब दो या दो से ज्यादा होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं प्लूरल। कि आपको इसमें ऐसा जाना कि कौन कौन से सब्जेक्ट हमारे जो है सिंगल होते हैं, कौन सा प्लूरल है। और सिंगल की बात करें ही, सी, एट, और जी का मतलब होता है वहां, सी का मतलब होता है वहां, एट का मतलब होता है वहां। जिसे अगर मीनिंग नहीं पता है तो वो चाहे तो लिख सकता है। इसके बाद होता है सी सी एट, या फिर किसी पर्सन का नेम हो, नेम ऑफ नेम, बस आप ऐसे समझे कि नेम, किसी एनिमल्स का नेम हो, कोई बर्ड्स का नेम हो, या फिर किसी पर्सन का नेम हो, या किसी नाउन का नेम हो, ऐसे कह सकते हैं। अब अच्छा, हमारे पास प्लूरल, तो प्लूरल किसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। प्लूरल में जो हमारा होता है आई आता है, वी आता है, दे आता है, आई वी दे यू एक्सेट्रा, ये सब हमारे क्या आते हैं प्लूरल में एक्शन आते हैं। या फिर आप इसको ऐसे ले सकते हैं और टू और मोर देन टू, मोर देन टू, ऐसे ले सकते हैं। तो आपको यह सिंगुलर प्लूरल समझ में आ गया। अब आते हैं हम आपके सेंटेंस में इंडिकेटिव के अफर्मेटिव पे, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में क्या होता है कि आपको जैसे मैंने सेंटेंस में बताया कि अफर्मेटिव रूल्स कैसे लगते हैं। अब इसका रूल होता है कुछ सर्टेन होता है, आपको जो भी कोई रूल बताया हो उससे मतलब नहीं हमें, बट आप ये रूल देखिए आप कैसे। तो सबसे पहले आता है कि इसमें हम सब कोई भी अगर सेंटेंस हमें दिया उसमें सब्जेक्ट, तो सबसे पहले हम इसी स्पेलिंग में आते हैं सब्जेक्ट देता है। इसके बाद क्या लगाते हैं वर्ब आते हैं, मेन वर्ब, सीजनल मेन वर्ब आते हैं, हेड वर्ब का यूज नहीं कर सकते, सब्जेक्ट ना वर्ब आता है। इसके बाद एस आता है या फिर पीएस आता है। इसके बाद लास्ट में हमारा जो बचता है ऑब्जेक्ट आता है। अब जैसे कि मैं कोई एग्जाम्पल लू, राम अपने घर जाता है। अच्छा, यस या फिर यस इसके साथ लगाएंगे, हम यहाँ पे नोटिफाई कर देना आपको, यस या फिर यस सिंगुलर के साथ यूज करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे। इसके बाद प्लूरल के साथ कोई भी यस या यस नहीं ऐड कर सकते हैं, प्लूरल के साथ यस या यस प्लूरल के साथ में नहीं यूज कर सकते हैं, प्लूरल के साथ में इसको हम यूज नहीं कर सकते हैं। तो जनरली हम इसको कैसे आइडेंटिफिकेशन सेंटेंस करेंगे, पहचाने से क्या है, राम अपने घर जाता है, लास्ट में का आता है तो हमारे जैक्स का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, लास्ट में का आ रहा है, हैड लगा हुआ है, क्योंकि हमने लिख कर पहचाने से का है, टी है, टी है। अब हमें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी सेंटेंस को पहचाने कौन सा टेंस का है। अब हमें पहचान हो गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है, इसमें नहीं भी नहीं है और क्या भी नहीं है। तो अब इसका हम ट्रांसलेट करेंगे, तो जो ये हमारा रूल्स होता है मेनली इस रूल्स के अकॉर्डिंग हम चलते हैं, अपने मन से कोई चीज नहीं करेंगे, सिर्फ इस रूल्स पे चलेंगे। अब जैसे से उस कहता है उस कैसे सब कहते हैं, अब कैसे सब्जेक्ट ये सबसे पहले से बना है, उस कहता है सबसे पहले सब्जेक्ट की मीनिंग बना। अब सब्जेक्ट इसमें क्या है, अपने घर, ये तो वैसे तो ऑब्जेक्ट है, जाना का मतलब क्या हो जाएगा, जाना का मतलब मेल हो जाएगा, आई का मतलब हो जाएगा हेलो। इसके बाद क्या था राम, राम बचा कि कौन जाना अपने घर, राम जाना, राम क्या है, हम यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट इसके लिए बनाएंगे राम। इसके बाद क्या करता है कि मेन मतलब, मेन मतलब इसमें क्या है जाना, जाना क्या होता है वो। इसके बाद हमारा क्या होता है कि जो सिंगुलर है या प्लूरल है, अभी हमें हमारा सब्जेक्ट इसमें सिंगुलर, सिंगुलर साथ हमें क्या लगाएंगे यस या यस लगाएंगे, यस ऐसे किसके साथ लगाते हैं, तो हमने बताया कि सिंगुलर साथ लगाते हैं, लेकिन अब किसके साथ यस लगाए, किसके साथ यस लगाएंगे। तो जिसके साथ पहले अगर ई नहीं ऐड है तो उसके साथ यस एस लगाएंगे, ई नहीं ऐड है उसके साथ यस लगाएंगे, और उसके साथ ई पहले से ऐड है उसके साथ यस लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जी ओ वो है, इसके बाद ई एस कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे देखिए ई नहीं है उसके साथ यस लगा देंगे,
तो क्या कहेंगे, राम बोस टू, और टू जो लगता है वो है कैसे, वो एक हमारा असली वर्ब होती है जिसकी वजह से हमेशा आगे से तो यूज होता है। तो राम बोस टू हिज होम, होम लिख सकते हैं या फिर हाउस लिख सकते हैं। तो इस तरीके से किसी भी सेंटेंस को जैसा आप सेंटेंस और लिख देते हैं यहाँ पे, तुम लोग क्रिकेट खेलते हो, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, तुम लोग, तो तुम लोग हो या तुम्हारे लोग हो या फिर तुम लोग हो या तुम हो, इसका सिर्फ मीनिंग यू ही होता है अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो। अब इसको क्या करेंगे, सब्जेक्ट में सब्जेक्ट से क्या हमारा अलग अलग हो जाएगा, इसके बाद क्या हो जाएगा, वर्ब है, वर्ब में बन गया हमारा खेलना प्ले, और यू को हम किसमें ले, आपको बताया कि यू हमारा प्ले में काम करता है, तो यू प्ले, तुम लोग भी है वैसे नहीं, तो यू प्ले। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके अंदर एस है, यस वही एक्टिविटी का मैं यहां पर रख रहा हूं, तो प्ले हो जाएगा, इस पर क्या है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कैसे में क्रिकेट, क्रिकेट फलिस्ता। तो इस तरीके से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ऑटोमेटिक को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, समझ सकते हैं, इसको हम ट्रांसलेट इजीली कर सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम आपको सब कुछ एग्जांपल्स देते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के, जिसको आपको सॉल्व करके व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजना है या फिर आपको कमेंट सेक्शन में भेजना है, चाहे जैसे भी आपको सही लगे। आई गिव अ सम एग्जांपल्स, तुम सोते हो, मोहन हंसता है, थर्ड है राधा नाचती है, राम अपने घर जाता है, तुम दूध पीते हो, सोहन रोटी खाता है, सीला गाना गाती है। तो ये आपका रहा कॉमन, जिसको आपको करके दिखाना है, कॉमन आपको कंप्लीट करके बताना है। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टार्ट होगा नेक्स्ट टाइम पे, तो हमारा जो प्रेजेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव एंड इंडेफिनिटिव, ये दोनों सेंटेंस को बताने के बाद चलेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअसली। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स ऑल द बेस्ट।